हेलोल्केस एंड हैलोरिन जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बट अगर 2020 से 2022 तक का डेटा देखें तो इस चैप्टर में से जो टोटल 40 क्वेश्चन आए थे उनमें से 35 फाइव क्वेश्चन अलकाइल हलाइट्स के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे स्टार्टिंग विथ प्रपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइट तो हमारा पहला मेथड होता है एल्कोहल्स एल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने के लिए अपने पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं एक एक करके देखते हैं पहला आता है एच एक्स इन प्रेजेंस ऑफ जेड एंड सी एल टू इसे ल्यूकस रिएजेंट भी कहते हैं अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले एच एक्स मे का एच प्लस एल्कोहल को प्रोटोनेट करता है फिर वाटर एज ए लीविंग ग्रुप निकल जाता है जिससे बनता है कार्बोकेटाइन अब कार्बोकेटाइन है तो जो भी पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं वो होती हैं एंड फाइनली X- माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमें मिलता है अल्काइल हेलाइट सिंस इस रिएक्शन में कार्बोकटैन बनता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है अगला रिएजेंट होता है पी एक्स थ्री इस रिएक्शन में अल्काइल हेलाइट के साथ में एस थ्री पी ओ थ्री भी बनता है एज अ साइड प्रोडक्ट एक बात ध्यान रखना अगर कहीं रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू दिया हो तो वो पी एक्स थ्री के ही इक्विवेलेंट होता है इसके बाद आता है पी सी एल फाइव इसकी रिएक्शन तुम ऐसे याद रख सकते हो एंड लास्ट है एस सी एल टू इसे डार्जेंस प्रोसीजर भी कहते हैं ये अल्कोहल से अल्काइल हलाइट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है एसओ टू और एच सी एल ये दोनों गैसेज होते हैं जो स्केप आउट कर जाते हैं इस रिएक्शन को तुम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना अगर हम एस सी एल टू पिरीडीन के प्रेजेंस में यूज़ करें तो इन्वर्जन होता है अपना दूसरा मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केस इसमें हम अल्केन के रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है और हमें मिलता है अल्काइल लाइट अगर हेलोजन एक्सेस अमाउंट में होता है तो फर्दर सब्सटीट्यूशंस भी होते हैं नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कीनस इसमें हम अल्किन्स के रिएक्शन करवाते हैं एच के साथ तो होता क्या है अल्किन अपने डबल बॉन्ड के थ्रू एच के हाइड्रोजन पे अटैक करता है टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नेक्स्ट स्टेप में X- माइनस एज ए न्यूक्लियो फाइल अटैक करता है और अल्काइल हेलाइट बनाता है इसे कहते हैं मार्कोनिकोफ्स एडिशन यहीं अगर एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लें तो बी आर माइनस लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाता है और ऐसे एडिशन को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ्स एडिशन और अगर X2 इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर लें तो डाई हेलोजिनेशन हो जाती है और हमें मिलता है अल्काइल डाई हेलाइट अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अलाइलिक एंड बेंजाइलिकलोजिनेशन अलाइलिक कार्बन होता है सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन ब्रोमिनेशन के लिए हम एज ए रिएजेंट यूज करते हैं बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर एन ब्रोमोसक्सीमाइट क्लोरिनेशन के लिए हम यूज करते हैं सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एन क्लोरोसक्सिनिमाइड या फिर एसओ टू सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलाइट एक्सचेंज इसमें हम एक अल्काइल हेलाइट से दूसरी अल्काइल हेलाइट बनाते हैं अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिंकल स्टाइन रिएक्शन इसमें एन ए आई रिएजेंट होता है और अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्वर्ड्स रिएक्शन इसमें ए जी एफ रिएजेंट होता है ये सारे थे अल्काइल हेलाइट्स के प्रिपरेशन मेथड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्काइल हेलाइट्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन इसमें क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल में से एक्स को सब्सटी करता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाता है अब यहाँ पे ये कैसे होगा डिपेंड करता है अल्काइल हेलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे अगर हम एक थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड लें और एक वीक न्यूक्लियोफाइल लें जैसे कि वाटर तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा जिसे एस एन वन कहते हैं इसमें क्या होगा सबसे पहले सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है इसके बाद वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा टू तो फॉर्म अल्कोहल सिंस कार्बोकेटाइन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है हिन्स एच ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है एंड दैट्स वाई एस में रिसमाइजेशन होता है कार्बोकेटाइन बना है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा अगर अल्काइल हेलाइट की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो डिपेंड करेगी लिविंग टेंडेंसी पे जिससे ऑर्डर कुछ ऐसा होगा इस रिएक्शन में हमें चाहिए होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो कि पोलर हों और H प्लस दे सकें जैसे कि वाटर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वाटर अमोनिया और अमाइंस प्रेफर किए जाते हैं यहीं हम अगर एक वन डिग्री अल्काइल हेलाइट ले लें ले और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें जैसे कि एन तो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा जिसे एस कहते हैं इसमें होगा क्या ओ एच माइनस पे पर बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच करेगा जिसके कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक होने लगेगा इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट इवेंचुअली सी सी एल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और सी ओ एच बॉन्ड फॉर्म करेगा और हमें मिलेगा एल्कोहल सिंस न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है हेंस एस एन टू में इन्वर्जन होता है स्टेरिक स्टेरिकंड्रेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा अगर अल्काइल हेलाइट की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो डिपेंड करेगी लिविंग टेंडेंसी पे जिससे ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा इस रिएक्शन में हमें चाहिए होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो कि पोलर हों बट एच प्लस नहीं दे सकते हैं जैसे कि एसीटोन डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड और डाई मिथाइल फॉर्मामाइड इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एन ए एन और ए की ज़रूरत होती है अब कौन से रिएजेंट में क्या न्यूक्लियोफाइल है और सब्सटीट्यूशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके लिए ये टेबल ध्यान में रखना एन से ही उठाई है मैंने नोट्स में मिल जाएगी तुम्हें अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसमें क्या होता है हम अल्काइल हेलाइट के रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक के के साथ तो अल्काइल हलाइट में से एक्स निकलता है और जिस कार्बन से एक्स अटैच्ड है उसके बाजू वाले कार्बन से एच निकलता है टू फॉर्म अल्कि अगर एक से ज्यादा बाजू वाले कार्बन है तो मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल अल्किन होगा ये ई टू के थ्रू प्रोसीड करता है एक और चीज़ जो मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं सेटसिव प्रोडक्ट और जो लेस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट अब एक्स की जगह बी आर सी एल या आई हो तो ये मैकेनिज़म फॉलो होगी लेकिन अगर एफ़ होगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा जो बेस है वो बाजू वाले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन निकालेगा और बनाएगा कार्बन आयन नेक्स्ट स्टेप में जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे आएगा फ्लोरीन बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा अगर एक से ज्यादा बाजू वाले कार्बन है तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो मोर स्टेबल कार्बन आयन से बना है इस मैकेनिज्म को कहते हैं इवन सी बी मैकेजम हमारा लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स इसमें सबसे पहले आता है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन आरएक्स की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिलता है आर एम जी एक्स दैट इज ग्रिगनाट रिएजेंट ईथर जो है वो ग्रिगनाट रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है और ड्राई इसीलिए लेते हैं क्योंकि ग्रिगनाट रिएजेंट मॉइस्चर के प्रेजेंस में अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद आता है रिएक्शन विथ सोडियम इसमें कपलिंग होती है अगर दो अल्काइल हेलाइट्स की कपलिंग करें तो उसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन अगर सेम रिएक्शन में अल्काइल हेलाइट की जगह अराइल हेलाइट हो तो उसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन और एक अल्काइल हेलाइट हो और एक अराइल हेलाइट हो तो उसे कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन तो इतनी ही चीज़ें थी अल्काइल हेलाइट्स के अंदर जिससे जे मेस में अक्सर क्वेश्चन आते हैं एंड आई होप तुम्हें टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अगर हाँ तो इन क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके बताओ एंड ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए सिंपली कौन साइज को सब्सक्राइब करो